गाइज मैं जब भी एसेंशियली कोड कर रहा होता हूँ मैं अपने वर्को में यूज़ करता हूँ कुछ ऐसे टेक्निक्स को जो कि मेरी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और टाइम को बहुत ज़्यादा बचा देती हैं इसीलिए मैंने कंपाइल की हुई है आप लोगों के लिए कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज जो कि की आप लोगों को एक बहुत ही प्रोडक्टिव कोडर बना देंगी और इन जनरल जो भी आप प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं अपने कंप्यूटर वगैरह में उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है सो लेट्स गेट स्टार्टेड पर मैं स्टार्ट करना पहली टेक्निक के साथ और जो पहली शॉर्टकट की है हमारी वो है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन करने के लिए क्या होता है क्लिप क्लिपबोर्ड हिस्ट्री आपको मैं बता दूं क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का मतलब आपने कौन कौन सी चीजें कॉपी कर रखी हैं ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां पर गूगल पे लिखता हूं पाइथन ठीक है और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मान लो कहीं पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मान लो मैं फिर इसके बाद लिख देता हूँ सी पी पी इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ मान लो इसको मैं दोबारा कहीं पर पेस्ट कर देता हूँ मैंने अभी पाइथन कॉपी किया सी पी पी कॉपी किया इससे पहले भी मैंने कुछ चीज़ें कॉपी कर रखी होंगी अब मान लो मैं कोई ऐसी चीज़ पेस्ट करना चाहता हूँ जो कि मैंने बहुत पहले कॉपी करी थी मैं क्या करूँगा कि मैं दबाऊंगा विंडोज़ प्लस वी आई रिपीट विंडोज़ प्लस वी और यहाँ पर जैसे ही मैं विंडोज प्लस वी दबाऊंगा आप लोग देखो मेरी क्लिप बोर्ड हिस्ट्री खुल चुकी है यानी कि मैंने पहले क्या क्या चीज़ें कॉपी करी हैं उसकी लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल गई है और मैं यहां पर इसको जो है इनमें से कोई भी चीज पेस्ट कर सकता हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिस पेस्ट कर दिया मान लो मैं वापस से विंडोज वी दबाऊंगा और विंडोज वी दबाकर आप लोग देखो यहां पर मेरे पास सारी की सारी वो चीज़ें आ गई हैं जो कि मैंने कॉपी कर रखी है ये देखो मैंने यहाँ पर मशीन लर्निंग दिस और ये जो शॉर्टकट कीज़ मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल करी हैं ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर जो है कॉपी कर रखी है अपने क्लिप बोर्ड पे तो जो भी चीज़ मैंने क्लिप बोर्ड कॉपी करी है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एक नोट यहाँ पर मैं देना चाहूँगा विंडोज़ यूजर्स के लिए अगर आप लोगों ने इसको इनेबल नहीं कर रखा है तो आपको इनिशियली इसको इनेबल करना पड़ता है विंडोज भी आप दबाओगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको इनेबल करना चाहते हो आपको यस करना पड़ेगा वहाँ पर दिस इज एन अमेजिंग टूल आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा स्पीड बढ़ाएगा और आपको एक प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगा मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट हैक जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वह है मान लो आप लोगों ने दो तीन विंडोज़ खोल रखी है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर यह विंडोज एक्सप्लोर अपना खोल रखा है मैंने यहाँ पर ये खोल रखा है अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक्सट्रीम राइट की तरफ खोल लूँ और जो मेरा यहाँ पर वी एस कोड है वो लेफ्ट साइड को मानिए

अब अगर मान लो मैं ये चीज़ कीबोर्ड से करना चाहता हूं तो दर इज अ की शॉर्टकट फॉर दिस क्या है वो कीबोर्ड शॉर्टकट मान लो आपकी ये दोनों विंडोज है मैक्सिमाइज है आप विंडोज की दबाएं आप राइट right वाली जो की होती है राइट right एरो की वो दबाएं और उसके बाद आप जैसे ही विंडोज की को दोबारा से दबाकर राइट एरो की है आप एरो की दबाएंगे आप इन विंडोज़ को इस तरह से मूव कर सकते हैं एक और मैं हैक आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपने विंडोज़ राइट दबाया फिर दोबारा से राइट दबाया अब आप जैसे इस विंडोज़ की को छोड़ोगे तो यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर आप कौन सी विंडो खोलना चाहते हो तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा अगर तो मैं इन दोनों विंडोज़ को बहुत ईजिली साइड बाय साइड रख सकता हूँ अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं कोई चीज देखकर इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है टेक्निक आप लोगों के लिए क्योंकि यार मैं पर्सनली ऐसा बहुत करता हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग मिनिमाइज करें फिर खोलें गूगल क्रोम को देखें फिर आप लोग वहां पर वापस से आ जाएं वीएस कोड में उसको टाइप करें फिर मैक्सिमाइज करें ये सारी चीज़ों से आप लोग बच सकते हैं अगर आप लोग इस टेक्निक को अपनाएंगे तो अमेजिंग टेक्निक अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट मुझे यहां पर बोलना चाहिए अगला जो कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल कर रखा है वो ये है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं जो कि इनफैक्ट खुली हुई है तो मेरा यहां पर जो टास्क बार है ठीक है इसमें आप लोग देखो कौन कौन सी विंडोज है फाइल एक्सप्लोर वी एस कोड गूगल क्रोम ओबीएस जिससे कि मैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो नंबर एक पर है मेरा यहाँ पर वो है फाइल एक्सप्लोरर नंबर टू पर है

मैंने इसको पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करा है और मैं अभी भी करता हूं और मेरी बहुत ज्यादा अगली की मैं करना चाहूंगा चौथी जो हमारी की शॉर्टकट है वह आर ओपन है ओपन कर रखा है आप लोग यहां पर देख सकते हो अब मैं सबको अगर मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मैं विंडोज प्लस डी यहां पर दबा दूंगा विंडोज प्लस डी में दबाऊंगा सब मिनिमाइज कर दी गई है और मुझे यहां पर मेरा जो डेस्कटॉप है वो दिखा दिया गया है कोई भी विंडो मैं खोलना चाहता हूं ये ये सब खुल जाएंगी और यहाँ पर ये एक बहुत अमेजिंग टूल है अगर आप लोग चाहते हैं यार इतनी सारी चीज़ें खुली हुई हैं सबको मैं नीचे दबाकर अपने डेस्कटॉप को देखूं वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं इसको करने का एक तरीका और है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर आपके एक्सट्रीम लोअर राइट साइड में अगर आप टास्क बार में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये यह भी यही चीज़ करता है बट की से अगर आपके हाथ यहाँ पर की बोर्ड सेट है आप माउस पर ले जाना नहीं चाहते हैं तो आप लोग सिंपली विंडोज़ प्लस डी दबा दें अमेजिंग टूल अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट यार मज़ा आ जाएगा आप लोगों को अब एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ शायद आप लोगों को ऑलरेडी बताओ मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता हो बट अगर आप लोग कंट्रोल बैक्सपेज दबा दें तो एक पूरे वर्ड को डिलीट कर दिया जाता है आई एम अ गुड बॉय मान लो मैंने यहाँ पर लिखा अब अगर मैं कंट्रोल बैक्सपेज दबाऊंगा तो एक पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा कंट्रोल बैक्स्पेज दबाऊंगा पूरा वर्ड डिलीट होगा तो पूरे वर्ड को अगर डिलीट करना है कंट्रोल बैक्सपेज दबाएँ बैक्स्पेज से एक कैरेक्टर डिलीट होता है डिलीट की से एक आगे का कैरेक्टर डिलीट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है मैं एम को डिलीट करना चाहता हूँ मैं डिलीट की दबाऊंगा ये तो आपको पता ही है बट अगर आप आई एम अ गुड लिखते हैं और आपका कर्सर यहां पर है और अब आप चाहते हैं कि मैं गुड को डिलीट कर दूं पूरे वर्ड को आप लोग कंट्रोल प्लस डिलीट दबा दें पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि जब आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं किसी भी तरह की तो बहुत ज्यादा टाइम बचता है इसमें छठा कीबोर्ड शॉर्टकट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है विंडोज प्लस टैब विंडोज प्लस टैब से क्या होता है कि आपने जो जो डेस्कटॉप्स खोल रखे हैं आप लोग यहां पर देखो जो जो चीज़ें मैंने यहां पर खोल रखी है वो सब चीजें जो है यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ अगर मैं ऑल्ट प्लस टैब दबाऊं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं ऑल्ड टैब मैंने दबाया जो जो विंडोज मैंने यहां पर खोल रखी है मैं दबा दबा के कोई भी विंडो यहां पर जो है खोल सकता हूं मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को खोल लिया मैं यहां पर फाइल एक्सप्लोर को भी खोल सकता हूँ एंड सो ऑन यार विंडोज प्लस टैब दबाकर और ऑल प्लस टैप दबाकर इस तरह से डेस्कटॉप्स में और एप्स में नेविगेट कर सकता हूं तो एक बहुत ही अमेजिंग टूल मेरे हिसाब से आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट को जरूर अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करें इसके बाद के जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो बहुत क्विक कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं तो जल्दी से वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ तो इसके बाद का जो की शॉर्टकट है वो बहुत सिंपल है अगर आपने लिखा है यहाँ पर आई एम अ गुड बॉय तो आप लोग क्या करें होम दबाकर आप स्टार्टिंग में आ सकते हैं तो आपको पता होगा लेकिन अगर आप लोग पूरे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं एंड तक तो आप शिफ्ट प्लस एंड दबा सकते हैं शिफ्ट प्लस एंड की और आप जैसे ही ये दबाएंगे पूरा का पूरा जो आपका टेक्स्ट है वो हो जाएगा और आप बैक्सपेज दबाकर इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर आप लोग इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं सारे काम आप कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड अगर आपका जो कर्सर है वो यहां पर है मान लो गुड के बाद अब आप लोग अगर शिफ्ट प्लस होम दबाते हैं तो आपका पूरा का पूरा स्टार्टिंग तक का टेक्स सिलेक्ट हो जाएगा और अगर आप यहीं पर हैं और आप शिफ्ट प्लस एंड दबाते हैं तो आपका इसके राइट हैंड साइड पे जितना भी टेक्स्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा आप इसको डिलीट वगैरह कर सकते हैं ये भी एक बहुत अमेजिंग टेक्निक है जो कि मुझे पर्सनली बहुत बाद में पता चली जब मैं अपनी कोडिंग वगैरह का करियर स्टार्ट कर रहा था बहुत लेट मुझे ये सब बातें पता चली हैं आप लोग को तुरंत इसलिए मैंने सोचा कि यार इस वीडियो के माध्यम से बता दूँ अगला यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है विंडोज़ प्लस पी विंडोज़ प्लस पी क्या करता है आप लोग का अगर एक और मॉनिटर कनेक्टेड है जो कि एट सम स्टेज ऑफ योर डेवलपमेंट लाइफ आप लोग कभी ना कभी इसको ज़रूर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे मॉनिटर को अगर आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ एक मॉनिटर चलता रहे या फिर आपका पहला मॉनिटर चलता रहे तो आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं क्विकली आपको विंडोज पी दबाना है और आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा मॉनिटर आप लोग जो है यहाँ पर चलाना चाहते हैं ये कब यूज़फुल होता है कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने प्राइमरी मॉनिटर में जब काम कर रहा होता हूँ तो सेकेंडरी मॉनिटर से मेरे मुंह पर जो है रोशनी पड़ती है तो अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी मल्टीपल मॉनिटर्स को यूज़ करने का तो आपको पता होगा कि कभी कभी जिस मॉनिटर को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो अगर ऑलरेडी चल रहा है तो वो आपको इरिटेट करने लगता है मुझे पर्सनली बहुत इरीटेट करता है तो मैं चाहता हूँ कि ये मॉनिटर बंद हो जाए इसके लिए या तो मुझे अपने लैपटॉप का ढक्कन नीचे करना पड़ता है या फिर मुझे मॉनिटर है तो उसको टर्न ऑफ करना पड़ता है ये टेक्निक का इस्तेमाल करके आप लोग सिंपली क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं सो so, एक अमेजिंग शॉर्टकट मैं कहूंगा यहां पर अगला जो क्विक शॉर्टकट है वो मैं आप लोगों को बता वो है विंडोज प्लस एल विंडोज प्लस एल क्या करता है कि आपका जो यूजर अकाउंट लॉग इन हुआ हुआ है उसको लॉक कर देता है और अब आपको वापस से लॉग इन करने के लिए अपना पिन या पासवर्ड डालने की जरूरत पड़ने लगती है हाउ इज इट यूजफुल इसका जो यहां पर सबसे बड़ा महत्व है वो तब होता है कि जब आप एक ऐसे रूम में बैठे जहां पर बहुत सारे लोग हैं अब यहां पर आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके कंप्यूटर में आके कोई छेड़खानी करेगा बट इट्स योर आप अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाएं चाहे आप हाथ धोने जा रहे हैं चाहे आप वॉशरूम तक जा रहे हैं चाहे आप थोड़ी हवा लेने जा रहे हैं या फिर आप लोग एक वॉक के लिए जा रहे हैं जो कि मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं यार अगर आप कुछ भी कंप्यूटर uh, के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के करते हैं तो हर एक घंटे में आधे घंटे में वॉक जरूर लेनी चाहिए अगर आप इस तरह के किसी काम में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर को लॉक कर देना है विंडोज प्लस एल को दबा के इससे आपका कंप्यूटर स्क्रीन लॉक हो जाएगी आपको यहां पर विंडोज में जाकर और उसके बाद फ्लिप करने की जरूरत नहीं है आप आप करेंगे आपका जो जो वो हो जाएगा। इसके बाद दबाकर लोग इसको है वापस से कर सकते हैं। तो कोई भी इंसान छिड़खानी नहीं करेगा छिड़खानी की संभावना जो जो ए, वो हो जाएगी, अगला जो कोई हमारा की शॉर्टकट है उसके बारे में बारे बारे बात करना चाहूंगा और वो कीबोर्ड शॉर्टकट इनफैक्ट नहीं है वो मैं कहूंगा माउस शॉर्टकट है और एक बोनस शॉर्टकट मैं आप आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है दिस इज़ ह्यूज क्योंकि आ, अगर आप लोग किसी एरर वगैरह के लिए सर्च कर रहे हैं और मान लो आप किसी चक्कर में पड़ जाते हैं एरर वरर वगैरह के तो क्या होगा यहाँ पर कि आप लोग बहुत सारे टैब्स खोलेंगे आपको वो दिन तो ज़रूर याद होगा जिस दिन आपका एरर आया था और आपने जो है पच्चीसों टैब्स खोल दिए थे अपने गूगल क्रोम में अब एक बार आपका एरर सॉल्व हो जाता है तो आप सारे के सारे जो टैब्स हैं वो बंद करना चाहते हैं या फिर कभी भी ऐसा हो जाता है तो आप कुछ टैब्स को बंद करना चाहते हैं तो आप जो माउस का व्हील है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है माउस का व्हील आप इसको दबाकर टैब्स को क्लोज कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल लडस से मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस टूटोल से हिंदी को खोलता हूँ तो मैं यहाँ पर अपने माउस के व्हील को दबाकर इसको बंद कर सकता हूँ तो जो माउस का व्हील है इसको मैं दबाकर बंद कर सकता हूँ आप लोग देखो मैं यहाँ पर uh, माउस का व्हील जो है वो एक क्लिक की तरह दब जाता है माउस के व्हील को दबाकर मैं नई टैब में किसी भी सर्च uh, रिजल्ट को या किसी भी लिंक को खोल सकता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो मान लो मैंने सर्च किया कोड विद हैरी ठीक है मान लो मैं यहाँ पर कोड विद हैरी को सर्च कर रहा हूँ ठीक है कोड विद हैरी को सर्च किया अब मैं चाहता हूँ ये नई टैब में खुले ये वाला लिंक तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा अपने माउस बिल में और यहाँ पर देखो कि ये नई टैब में खुल गया है अब मान लो मैं यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ हैरी का मैं बीच में जो मेरा बाउस व्हील है उसको दबाऊंगा और आपने कोई नई टैब में खुलेगा मुझे राइट क्लिक ओपन एर न्यू टैब करने की जरूरत नहीं है बहुत अमेजिंग टेक्निक है अगर आप लोग को ये नहीं पता थी तो मुझे जरूर बताना कमेंट में कि कितने वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आपको पहले से मालूम थे और कितने वो की शॉर्टकट्स है जो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम नहीं था मुझे नीचे कॉमेंट में यार सब लोग बताएंगे तो ये थे दस की शॉर्टकट्स जो कि मैं चाहता था कि आपको भी पता चले क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार ये कैसे किया नई टैब में कैसे खोला इसको इतनी जल्दी कैसे बंद कर दिया ये कैसे किया क्लिप हिस्ट्री कैसे खोली तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए इन सारी चीजों को कंपाइल करते हुए ताकि आप लोग की लाइफ भी जो है प्रोडक्टिव बन पाए आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा अगर आप लोग कोडिंग वगैरह के कोर्सेज देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बहुत कुछ डाला हुआ है सो so, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम